जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे तोमर, तंवर या तूर वंश के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तोमर, तंवर या तूर उत्तर पश्चिमी भारत का एक वंश है। तोमर वंश के कुछ सदस्य अलग अलग समय में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करते थे। तोमर वंश के लोग उत्तरी भारत के जाट, गुर्जर और राजपूत समुदायों में पाए जाते हैं। तोमर वंश चंद्रवंशी वंश से वंश का दावा करता है। माना जाता है कि वह अपने पोते परीक्षित के माध्यम से पांडव अर्जुन के वंशज थे। तोमर का सबसे पहला प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भ पेहोवा गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के शिलालेख में होता है। इस अछूते शिलालेख से पता चलता है कि तोमर प्रमुख गोगा महेंद्रपाल प्रथम का जागीरदार था। पुराणों से प्रतीत होता है कि आरंभ में तोमरों का निवास हिमालय के निकटस्थ किसी उत्तरी प्रदेश में था, किंतु 10वीं शताब्दी तक ये करनाल तक पहुंच चुके थे। थानेश्वर में भी इनका राज्य था। उस समय उत्तर भारत में चौहान राजवंश का साम्राज्य था। उन्हीं के सामंत के रूप में तंवरों ने दक्षिण की ओर अग्रसर होना आरंभ किया। 9वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के तोमर राजपूतों ने वर्तमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया। प्राचीन इंद्रप्रस्थ जो अब दिल्ली है के आसपास अर्जुन और उनके भूगोल के पूर्वजों के कारण उन्हें अर्जुनयान में उत्पन्न होने का अनुमान है। अब ए अकबरी द्वारा अबुल फजल चित्पाल के नाम से तोमर के पूर्वजों के बारे में बताते हैं। वह मालवा क्षेत्र में एक शक्तिशाली जमींदार था और रईसों के शासक के रूप में चुना गया था। जब उन्होंने परमार राजा को सिंहासन के योग्य नहीं पाया तो उसे उनका शासक बना दिया गया था। बरडी परंपरा के अनुसार वंश के संस्थापक अनंगपाल तोमर ने, जो जीतपाल तोमर के वंशज थे, ने 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की थी। हालांकि इस दावे की प्रमाणिकता संदिग्ध है। वाड़ेक किंवदंतियों में यह भी कहा गया है कि अंतिम तोमर राजा, जिसे अनंगपाल भी कहा जाता है, दिल्ली के सिंहासन पर अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान के लिए गया था। यह दावा भी गलत है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पृथ्वीराज को दिल्ली अपने पिता से विरासत में मिली थी। सोमेश्वरा के शिलालेख बिजोलिया के अनुसार उनके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने ढिल्लिका यानी के दिल्ली और आशिका यानी के हांसी को जीत लिया था। उसने संभवतः एक तोमर शासक को हराया था। कुंवरपाल तोमर अनंगपाल द्वितीय के पिता थे। उन्होंने गजनबी के खिलाफ उत्तरी भारत के 150 से ज़्यादा राजाओं और सरदारों को एकजुट कर संघ का गठन किया और नेतृत्व किया। 1043 में कुंवरपाल तोमर ने मुस्लिम आक्रमणकारी मावदूद के पोते महमूद गजनबी के खिलाफ अभियान शुरू किया। उन्होंने न केवल हांसी और थानेसर बल्कि कांगड़ा और पूरे पंजाब पर विजय प्राप्त की, जब तक वे लाहौर नहीं पहुंच गए। उन्होंने हर किले में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया और उनकी देखभाल के लिए अपने एक भाई के साथ एक छोटी सेना रखी। यहाँ तक कि सेना ने लाहौर और ताकिशाह या ताकेश्वर के किलों को घेर लिया और लाहौर और ग्वालियर के बीच का सारा इलाका तोमर क्षेत्र बन गया था। फैशिता के अनुसार उत्तरी भारत में लगभग 150 राज्यों का एक समूह मौजूद था, जिनके शासक दिल्ली के तोमर राजाओं को अपना प्रमुख मानते थे। माना जाता है कि राजाओं का यह समूह अनंगपाल द्वितीय के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में था। इन राजाओं के शासकों ने बाद में तोमर राजा चड़पाल तोमर के नेतृत्व में तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई में भाग लिया, जो पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई और सेनापति थे। ग्वालियर के तोमरस ने ग्वालियर के उत्तर में एक क्षेत्र पर शासन किया, जिसे तोमरघर पथ के नाम से जाना जाता है। इन शासकों में सबसे उल्लेखनीय था मानसिंह तोमर, जो 1486 से 1517 तक
शासक रहे। दिल्ली में उनके अधिकार का समय अनिश्चित है, किंतु 10वीं और 11वीं शताब्दी में हमें सांभर के चौहानों और तोमरों के संघर्ष का उल्लेख मिलता है। तोमरेश रुद्र चौहान राजा चंदन के हाथों मारा गया था। तंत्रपाल तोमर चौहान वाकपति के पराजित हुआ और वाकपति के पुत्र सिंहराज ने तोमरेश सलवणा का वध किया, किंतु चौहान सिंहराज भी कुछ समय के बाद मारा गया। बहुत संभव है कि सिंहराज की मृत्यु में तोमरों का कुछ हाथ रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तोमर इस समय तक दिल्ली के स्वामी बन चुके थे। गजनवी वंश के आरंभिक आक्रमणों के समय दिल्ली स्थानेश्वर का तोमर वंश पर्याप्त उन्नत अवस्था में था। तोमर राज ने थानेश्वर को महमूद से बचाने का प्रयत्न भी किया, यद्यपि उसे सफलता न मिली। सन 1038 ईस्वी में महमूद के पुत्र मसूद ने हांसी पर अधिकार कर लिया। मसूद के पुत्र मजदूद ने थानेश्वर को हथिया लिया। दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी होने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि मुसलमान दिल्ली राज्य की समाप्ति किए बिना चैन न लेंगे, किंतु तोमरों ने साहस से काम लिया। तोमर राज महिपाल ने केवल हांसी और थानेश्वर के दुर्ग ही हस्तगत न किए, किंतु उसकी वीरवाहिनी सेना ने कांगड़े पर भी अपनी विजय ध्वजा कुछ समय के लिए फहरा दी। वे लड़ते लड़ते लाहौर तक पहुंच गए थे। तोमरों की इस विजय से केवल द्वेषाग्नि ही भड़की। तोमरों पर इधर उधर से आक्रमण होने लगे। तोमरों ने इसका यथाशक्ति उत्तर दिया। संवत 1189 यानी के सन 1132 में रचित श्रीधर कवि के पाश्चरित से प्रतीत होता है कि उस समय तोमरों की राजधानी दिल्ली समृद्ध नगरी थी और तंवर राज अनंगपाल अपने शौर्य आदि गुणों के कारण सर्वत्र विख्यात था। द्वितीय अनंगपाल ने महरौली के लोह स्तंभ की दिल्ली में स्थापना की। शायद इसी राजा के समय तमरों ने अपनी नीति बदली। बीसल देव तृतीय ने संवत 1208 यानी कि सन 1142 ईस्वी में तोमरों को हरा कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद तंवर चौहानों के सामंतों के रूप में दिल्ली में राज्य करते रहे। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हुआ। दिल्ली के प्रमुख तोमर राजा थे अनंगपाल प्रथम, विशाल, गंगे, पृथ्वीमल, जगदेव, नरपाल, उदय संग, जयदास, बाछाल, पावक, विहंगपाल, तोलपाल, गोपाल, सुलाखन, जयपाल, कमरपाल, तेजपाल, महिपाल, दक्कतपाल, जिन्हें अर्कपाल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया तंवर वंश के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।